कटी वक्र मन फेकोनी। बच्चों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर अर्णव। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे फॉर्म होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल में कैसे फॉर्म होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल में कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब टेट्राहेड्रल में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, इसको पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है बहुत जगह पर, उसके लिए बाद में आ गया है क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए थ्योरीज बहुत सारे हैं बॉन्डिंग है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सीएफटी क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ऐसे बहुत सी थ्योरियां हैं। ठीक है, तो जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले, दैट इज व्हाट सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बाद में देखते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्टली देखिए। एग्जाम्पल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस दैट इज NiCN4 2 नेगेटिव और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस COCl4 नेगेटिव। अगर कोई इस वीडियो पे नया है तो उसको आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में बेसिक्स हम लोग नहीं ले सकते, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो निकेल है आपको वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको क्या पता चाहिए, निकेल का एटॉमिक नंबर पता चाहिए, जल्दी से बताओ। अब बोले ये कैसे याद रहेगा, मैंने वो भी बताया, स्क टी वक्र मन फेकोनी कजिन, ये जो 10 है देखिए 10 है ना, याद रखना पड़ेगा इसे, स्क टी वक्र मन फेकोनी कजिन, या इधर से लीजिए स्क टी वक्र मन फेकोनी कजिन। तो फिर निकेल, निकेल कौन से नंबर पे आ रहा है, स्क टी वक्र मन फेकोनी, इसका मतलब 28, ठीक है, कजिन कॉपर जिंक, तो 20 इसका मतलब क्या है 28, तो हम याद रखना निकेल का क्या है 28 है। अगर 28 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, कौन सा क्या आएगा फिर 3D, देखो 3D के बाद 4s 4p वगैरह है, ठीक है ना, 4s 4p, तो चेंजेस कहाँ पर है 3d 4s में, तो 3d क्या होगा 8 और 4s 2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं बात करता हूँ निकेल, निकेल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैसे पता चलेगा आपको, साइनाइड 4 नेगेटिव, मैंने आपको बताया निकालने का तरीका कैसा है, देखो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वेरी सिंपल साइनाइड, अब वो तरीका भी मैंने आपको बाद में बताया, पहले बताया पहले के वीडियोज़ में, शॉर्टकट में बताता हूँ, 1 साइनाइड का 1 नेगेटिव, 4 साइनाइड का क्या होता है 4 नेगेटिव। अब अगर ये 2 नेगेटिव अपेयर हो रहा है मतलब निकेल क्या होना चाहिए 2 पॉजिटिव, निकेल क्या होगा प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इसका मतलब क्या है कि निकेल प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर निकेल 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ से 2 चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, लॉस हो गया, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो गए तो इसका मतलब क्या है कि 3d 8 4s 0 4p में भी 0 कुछ भी नहीं है, तो इसको हम फिल किस तरीके से करेंगे, वेरी सिंपल, देखो दिस इज 3d, ठीक है, थोड़ा सा और आपको बिगर बना देता हूँ, हियर 1 2 3 4 5, हियर इज द 4s एंड अगेन 4p, सो 4p 0 ये है, 3d 8 मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 2, सो इधर है और 4s में तो कुछ है नहीं। तो अब जब ये 4 लिगैंड है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, मैंने आपको बताया था पावरफुल है, सुनता नहीं किसी को भाई दबंग, ठीक है ना, सीधे बात दबंग है बोले हम लोग बोले, यहाँ पे दिखाई दे रहा भैया ये तो 2-2 लोग हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये तो कंफर्टेबल है बहुत अच्छा, मतलब ये कंफर्टेबल रूम है, कंफर्टेबल बिल्डिंग है ना, याद है ना, तो कंफर्टेबल बिल्डिंग में 2-2 लोग हैं, यहाँ पे AC है, TV है, सब कुछ है, तो दबंग लोग क्या बोलेंगे, भाई ये तो हम ले लेंगे, बट ये भी दिख रहा है ना 2-2 एक लोग, चल भाई तू इधर शिफ्ट हो, चक्कू दिखा के तो क्या बता रहा हूँ, शिफ्ट हो जल्दी इधर, तो ये बेचारा डर के हमारे चुपचाप इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर ये चुपचाप इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 1 2 3 4
4, 5, 6, 7 एंड 8, एक एम्प्टी मिल गया है यहाँ पर। एस ये एम्प्टी है, 4S और 4P तो एम्प्टी है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट, देखो साइनाइड कितने, 4। तो पहला साइनाइड आएगा यहाँ पर, सेकंड साइनाइड आएगा यहाँ पर, देन थर्ड साइनाइड एंड फोर्थ साइनाइड। वेरी गुड। अब आप लोग बताओ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना। यस, जल्दी से बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये डी है, वेरी गुड। डी में एक, एस में एक और पी में 2, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड दे अप्रोचेस ओवर हियर द इनर ऑर्बिटल डी, दे पुशेस द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हियर टू हियर एंड एज सच देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द वन एम्प्टी ऑर्बिटल एंड नाउ इट कैन फॉर्म द DSP2 टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ व्हाट अबाउट द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस? CO आपको पता है, CO कोबाल्ट, कोबाल्ट का, ठीक है ना। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखो क्लोरीन के 4 नेगेटिव है, 1 क्लोरीन 1 नेगेटिव, 4 क्लोरीन 4 नेगेटिव, 1 अपेयर हो रहा है, मतलब 3 नेगेटिव चार्ज इज मैनेज बाय या फिर न्यूट्रलाइज बाय कोबाल्ट। तो कोबाल्ट है ना 3 पॉजिटिव, उसका कॉमन भी कौन सा है? 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर कोबाल्ट अगर 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए? 2 यहाँ से आखिरी शेल से जाता है, याद रखना है, किसी को कन्फ्यूजन है तो, यहाँ से जाएगा 2, इधर से जाएगा और एक बचा है तो यहाँ से जाएगा, तो 3d6, ठीक है, सॉरी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। 3d6 है मतलब क्या होगा? हियर लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गया 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है कि 4s एंड 4p इज एम्प्टी, ठीक है, ठीक है ना। 3d7 4s2 और ये 4p भी 0 है समझ लो। तो अब क्या है 3d6, ये 3d6, 4s 0, 4p 0, समझ में आएगा ना। कोबाल्ट 27, 3d7 4s2 4p 0, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, 3d6 4s 0, क्योंकि यहाँ से 2 और एक 3 निकल गए, यहाँ से 2, अब ये 0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा। बट अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी वीक फील्ड लिगैंड है, वो किरमालक को कुछ बोलेगा नहीं, भैया ये खाली है तो थोड़ा इधर सरका दो, अगर ये ऐसा कुछ बोलने वाला है नहीं, समझ में आ रहा है, इधर कुछ बोलेगा नहीं। आप मुझे बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ, अगर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होते तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल अवेलेबल होते? 1, 2, 3। यस, वेरी गुड, 2 ऑर्बिटल अवेलेबल होते यहाँ पर, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते। यहाँ पर देखो 3d8 था, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद एक ही वैकेंट ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल मिला। बट यहाँ पर ये दोनों शिफ्ट होने के बाद वी विल गेट 2 एम्प्टी और 2 वैकेंट ऑर्बिटल ओवर हियर। बट एज दीज आर दी वीक फील्ड लिगैंड, दे विल नॉट अप्रोच यूर हियर, वो सोबर है, भैया इधर मिल गया। वो क्या करेंगे, जो अपने 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन एंड 4 क्लोरीन। तो अब ये क्या बना, इन्होंने डी यूज किया क्या? नहीं यूज किया। तो फिर यहां पर क्या बनेगा, किस तरीके से बनेगा, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा, इसमें क्या बना sp3 हाइब्रिड, एक s, ये एक s लिया और p के 3, इसको s एम्प्टी मिल गया और p एम्प्टी मिल गया ना, एस में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उसने हाइब्रिडाइजेशन कौन सा किया, 4 क्लोरीन ने अपने एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसर्ट किया, मतलब ओवरलॉप किया जो कोबाल्ट के जो डी ऑर्बिट, कोबाल्ट के जो ऑर्बिटल थे उसमें, और उन्होंने क्या किया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाया, किसमें, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में। सो कीप इन माइंड, इन केस ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड DSP2 hybridization taken place, whereas when there is a formation of outer orbital complexes, which forms the outer orbital complexes, the weak field ligand like chlorine, fluorine, iodine, and the type of hybridization is sp3 hybridization. अब मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इतना useful नहीं है, क्यों useful नहीं है, देखो आपको पता है जो iron है ना, लोहा, तो बचपन में आप लोग भी खेले होंगे चुंबक, किसी को फोड़ फाड़ के ऐसे magnet निकालते थे और चिपकाते थे, चिपकाते थे ना, चिपकाते थे कि नहीं सर, चिपकाते थे। तो वो जो आयरन है
वो मैग्नेट को अट्रैक्ट क्यों करता है, मैग्नेटिक फील्ड में वो क्यों अट्रैक्ट होता है? सर क्यों होता है हमें क्या पता। हाँ तो वही चीज़ हम इससे पूछते हैं, बीबीटी से वो नहीं बताता है। सर तो कौन बता सकता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता सकता है। अगर मेरे ड्रेस का कलर ये है, अगर ठीक है ना, रेडिश है या ऑरेंज है, जो भी कलर है आपके ड्रेस का कलर, ब्लैक ब्लू जो भी है, वो कलर क्यों है? सर क्यों है हमें क्या पता। हाँ तो ठीक है ना, हमें नहीं पता, इसको भी नहीं पता, तो क्या हो गया? सीएफटी बता सकता है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बताता है, सारी चीज़ें वो बता सकता है। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ ना इसका, वैलेंस बैंड थ्योरी का, इसके लिमिटेशंस है। समझ में आ रहा है? ये है इसकी लिमिटेशन वैलेंस बैंड थ्योरी की, जो कि हम बाद में सीएफटी में पढ़ने वाले, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। समझ में आया? स्पीड ज़्यादा है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो थोड़ा स्पीड कम करके आप लोग देख लेना, बार बार वीडियो को देख लेना। और अगर वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना अगर पसंद आए वीडियो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।